बिहार के दो युवराज, एक तेजस्वी और दूसरा चिराग, लेकिन जनता है किसके साथ? 2025 के चुनाव में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? क्या तेजस्वी यादव के सर पर सजेगा ताज या फिर चिराग को मिलेगा बिहार के मुख्यमंत्री का कमान या फिर कोई होगा तीसरा चेहरा? इस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अपने एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी के साथ। आइए जानते हैं उन्हीं से कि 2025 में क्या कुछ होगा। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। दोनों युवराज का बेस जो है बिहार है, दोनों बड़े छवि के नेता हैं। एक तो लालू यादव के पुत्र हैं और पुराना जो पॉलिटिक्स का उनके साथ सपोर्ट था, और दूसरे भी रामविलास पासवान के पुत्र हैं, तो उनका भी अपना एक जो सिंडिकेट है उनके साथ है। लेकिन 2025 में चुनाव होगा, दोनों में से किसकी मुख्यमंत्री बनने की ज्यादा से ज्यादा प्रबल संभावना है? देखिए पुरुषोत्तम, ये तो प्रश्न आपका समय के गर्भ में है, लेकिन तेजस्वी यादव और चिराग पासवान दोनों की राजनीति का मूल आधार बिहार है, और बिहार की इस राजनीति में दोनों युवराज अपना अपना कद बढ़ाने के चक्कर में लगे हुए। कल जैसे हम तेजस्वी चिराग पासवान को सुन रहे थे, चिराग पासवान ने कहा कि मेरे छोटे भाई तेजस्वी, उन्होंने मुझे बधाई दी थी हार की, है ना। उनका कहना था कि मेरा खाता नहीं खुलेगा, 5 सीटों पे मैं चुनाव नहीं जीत लड़ रहा हूँ, 1 सीट भी हम नहीं जीतेंगे, हम 5 में 5 जीते और अच्छे मार्जिन से जीते, ठीक है, और 5 जगह पे हमने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को हराने के चुनाव हराया। जो करंट था हमारा, तो परसेंटेज जो है, हम तो 100% रिजल्ट हमने दिया। मान लीजिए चिराग पासवान ने तो 100% रिजल्ट दिया, तेजस्वी यादव ने कितना परसेंट रिजल्ट दिया, यक्ष प्रश्न है, है ना। वोटिंग का परसेंटेज भी अगर आप देखेंगे, तो वोटिंग के परसेंटेज को भी अगर आप देखेंगे, तो खैर वोटिंग चिराग पासवान जो है वो उनका पल्ला थोड़ा भारी दिखता है। अब डिपेंड ये करता है कि भाई 2025 का चुनाव होगा, उस 25 में नीतीश जी की भूमिका क्या होगी, उस चुनाव में तेजस्वी की भूमिका क्या होगी, उस चुनाव में एनडीए की भूमिका क्या होगी। देखिए पुरुषोत्तम, हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं कि नरेंद्र मोदी चिराग में अपने पुत्र की छवि देखते हैं, ये आपने बताया, ऐसा हमको प्रतीत होता है मनोवैज्ञानिक तौर पे, क्योंकि लोकसभा में जो ओथ का सेरेमनी चल रहा था, उस ओथ सेरेमनी के बाद भी जो एक मिलन हुआ चिराग पासवान और नरेंद्र मोदी का, तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पे जो चमक आई है ना, वो चमक मतलब लगता है ना, अंदर से एक जो खुशी लगा उनका पुत्र, उनको लगा कि साहब मेरा कोई अपना है। तो चिराग पासवान, और ऐसे भी चिराग पासवान को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहा जाता है। चिराग पासवान को निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी स्थापित करने का प्रयास करेंगे बिहार की राजनीति में, चूंकि उनको ये पता है कि ये व्यक्ति ऐसा है जिसकी विश्वसनीयता पे कोई सवाल पैदा नहीं हो सकता है। जबकि चिराग पासवान के कंधे पर बंदूक रख के 2019 से जो सरकार चली है ना, उसमें लगातार फायरिंग बीजेपी ने की, मतलब उसके कंधे का इस्तेमाल करके, और आप ये समझिए कि अगर सरकार चाहती तो ये रामविलास पासवान का जो ये पशुपति पारस गुट था, उस गुट को मान्यता नहीं देके चिराग पासवान के गुट को भी मान्यता दे सकता, भी नहीं छीना जाता, हाँ, और इसका बंगला भी नहीं जाता। तो बड़े मतलब वो समय भी जो है, वो समय बड़ा दुख का समय था, और हम लोगों ने चिराग के चेहरे पर वो परेशानी भी देखी थी जब उनको घर खाली करना पड़ा था। तो देखिए बीजेपी की तो ये राजनीति है, लेकिन इन सबों के इतर अभी का जो कॉम्बिनेशन हमको दिखता है, अभी का जो सिचुएशन हमको दिखता है, चूंकि चिराग पासवान दलित समाज के एक बड़े नेता है, है ना, और दलित समुदाय की राजनीति में बिहार में ही चिराग का चेहरा नहीं है, चिराग का चेहरा देश भर में काम करेगा एनडीए गठबंधन के लिए, इसलिए बीजेपी का बहुत पूरा का पूरा समर्थन चिराग के साथ रहेगा। रही बात 2025 की पुरुषोत्तम, तो मुझे ये लगता है कि एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान को बीजेपी प्रोजेक्ट करेगी एज ए चीफ मिनिस्टर, और संभवतः चिराग पासवान मुख्यमंत्री हो भी जाए, चूंकि इंडिया गठबंधन जो है जिसमें जिसके तहत तेजस्वी यादव आते हैं, उसमें बहुत ज्यादा पेच फंसा हुआ है। दूसरा, तेजस्वी यादव लालू यादव के परिवार के ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगे हुए हैं, जिन आरोपों की वजह से मुझे लगता है कि देख लीजिए अभी अरविंद केजरीवाल जेल में,
है ना। अब अभी तो बीजेपी ने एक संदेश देने का भी प्रयास किया है ना, कि या तो मेरे साथ रहो नहीं तो जेल में रहो, या तो मेरे साथ रहो नहीं तो जेल में रहो, है ना। और ये पूरे देश में, ये नॉट ओनली इन बिहार, पूरे देश में। तो हो सकता है कि आने वाले समय में इतना कच्चा चिट्ठा तैयार करके बीजेपी ने रखा है नरेंद्र मोदी तो बोल के कि, कि जब जरूरत पड़े, कि जब जरूरत पड़ेगी तब तेजस्वी को भीतर कर देंगे या फिर लालू जी को भीतर कर देंगे। तो ये तो ये खेल जो है राजनीति में चलेगा। लेकिन चिराग पासवान का पलड़ा भारी है और चिराग पासवान के 2025 के चुनाव में मुख्यमंत्री बनने की संभावना इन सबों से ज्यादा है। यूथ इन पॉलिटिक्स की जब हम बात कर रहे हैं कि खास करके बिहार में, तो आपने बोला कि चिराग पासवान का पलड़ा भारी है, लेकिन एक तरफ चिराग पासवान के लिए ही तो रो रहा है नीतीश कुमार। देखिए, नीतीश कुमार की राजनीति 2025 में समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उनकी जो पारी है ना, उनकी जो पारी है, अभी भी आप उनको देख लीजिए, चीजें भूल जाते हैं, है ना, बहुत चीजें उनको याद नहीं रहती हैं। और अब नीतीश जी को सिर्फ पैसेज लेके राजनीति से संन्यास भी ले लेना चाहिए। लेकिन जो जदयू दल के बड़े बड़े नेता हैं, और इवन आपने देखा कि सम्राट चौधरी जैसे नेता का कहना था कि हम उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। सम्राट चौधरी के मुंह से जो निकलता है उनकी भाषा निकलती है। अच्छा। सम्राट चौधरी के मुंह से निकलती थी बात उनकी अपनी बात तब जब नीतीश जी के साथ उनका गठबंधन नहीं था, मतलब भाजपा गठबंधन नहीं था। अभी तो सम्राट जो बोलते हैं, सम्राट क्या बोलते हैं, सम्राट वही बोलते हैं जो उनको कहा जाता है बोलने के लिए। सम्राट का कद कमजोर हुआ। अच्छा। और आपको बता दें कि सम्राट की जो पॉलिटिकल पारी है वो पॉलिटिकल पारी डाउनफॉल की तरफ जा रही है। पूरी ताकत तो लगा दिए थे रूपौली में, काहे नहीं जीता लिए, नहीं जीता पाए। ठीक है, नीतीश जी ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी, नहीं जीता पाए। तो जदयू क्या एक्सेप्ट करेगी चिराग पासवान को, मतलब यानी कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी एक साथ मिलकर के चिराग पासवान के हाथ दिखा देंगे? एक बात हमको बताइए, सीएम उम्मीदवार है, एक बात हमको समझाइए बताइए। अभी जो 2025 का चुनाव होगा उस 25 में चिराग पासवान की पार्टी भी अच्छे सीटों पे चुनाव लड़ेगी, मुझे लगता है कम से कम 40 सीटों पे चिराग चुनाव लड़ेंगे। और 40 सीटों पर जो चिराग चुनाव लड़ेंगे उसमें से मुझे लगता है कि कम से कम 30 से 35 सीट चिराग निकाल लेंगे। चिराग के बिना सरकार नहीं बनेगी। अच्छा, चिराग के बिना सरकार नहीं बनेगी। तो चिराग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और जैसे तो ये मैंने जो बात कहा कि क्या नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों आदमी मिल करके एक मंच से चिराग पासवान का हाथ उठा देंगे कि यही मुख्यमंत्री में द्वार है। एक बात समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान, इन दोनों का दल जो है, इन दोनों का दल मिला के 122 का जादुई आंकड़ा पार कर जाएगा। मतलब इस बार की रणनीति बहुत टाइट है जी, और चिराग पासवान को आगे करके भाजपा और मतलब चिराग पासवान को जो दल है वो दोनों। देखिए, मैं आपको बताऊं, नीतीश कुमार एक बहुत ही सीजंड पॉलिटिशियन है, कोई दो राय इसमें नहीं है, है ना। लेकिन नीतीश कुमार के साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, नीतीश कुमार विश्वसनीय नहीं है। और ये तो 2025 के चुनाव की बात है, अभी हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव हो जाने दीजिए, हो सकता है केंद्र की सरकार ही चली जाए। 2025 ये जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है 2024 का, इसमें भी सारे लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी घट गई है, लेकिन 12 सीट पे बाजी मार गए। तो 2025 के चुनाव में भी कुछ ऐसा कारनामा हो गया कि नीतीश अच्छा मार्जिन लेकर के आ गए, फिर तो नीतीश को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखिए, एक बात, वो तो समय के गर्भ में है, अभी तो हम लोग एनालिसिस ही कर रहे हैं, हम लोग एक चर्चा कर रहे हैं, है ना। और ये चर्चा जो है, इस चर्चा में चिराग का पलड़ा भारी है। मतलब तेजस्वी यादव के आगे चिराग, तेजस्वी की तुलना में चिराग का पलड़ा ज्यादा भारी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो बिहार पॉलिटिक्स में तेजस्वी के चेहरे के आगे चिराग पासवान का चेहरा भारी है, और पकड़ भी है, एक ही पार्टी थी जो 100% स्ट्राइक रेट एनडीए गठबंधन को दिया है 5 के 5 सीटों पर जीत करके। एक और पार्टी थी, मैं उसको बताना भूल जाता हूँ बार बार, जीतन राम मांझी की पार्टी थी, उन्होंने भी अपना 100% दिया है 1 सीट पे। तो आगे क्या कुछ होगा 2025 में, चिराग का क्या ग्राउंड रहता है, चिराग क्या कुछ करेंगे, उस पर भी हमारी पैनी नजर रहेगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।